हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो भाई आज के ब्लॉग में धमाकेदार चीजें होनी है। पहले चीज होगी, पापा थोर को नहला रहे हैं। थोर भाग गया ऊपर। थोर चल भाग गया ऊपर, चल पुश। और दूसरा क्या होगा कि अभी मैं एक्वेरियम को साफ करूंगा और उसके बाद फाइनली आप लोगों के लिए नई फिशेज आ जाएगी एक्वेरियम में। तो चलो भाई आज तो नहाएगा, 10 दिन हो गए नहाए तेरे को। चलो चल खेले खेले। जब ये छोटा सा था तब भी ऐसे डब्बे से ही खेलता था। आप स्टार्टिंग वाला व्लॉग देखोगे, मेरा सेकंड वाला व्लॉग बिल्कुल स्टार्टिंग में, एक साल पहले। हमारे फिदर, हमारे फादर ने बोला था बाथरूम में नो स्पीकर। तो बाथरूम में नो स्पीकर का मतलब तो हो गया ना कि वॉटर की डायरेक्ट टच में नो स्पीकर। तो फिर ये क्या हो रहा है? आओ आओ, ये देखो भूल कोई हो रही है यहाँ पे। शैम्पू उठा लिया थे मान पीटेगी तू, पहले कह रहा हूँ। ले ले ऊपर देख, कैसे आ जा मानू एक्वेरियम साफ करते। चलो मानू बाल्टी तो लिया, तू मदद नहीं करेगी? मैं तो कुछ कर रही नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। जल्दी आ जा मानू। जैसे कि मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि हम नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सेकंड हैंड कार देख ले, वो अच्छे रेट में अच्छी डील मिलती है। पर मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं वो कार खराब ना हो जो मैं सेकंड हैंड कार ले, कहीं एक्सीडेंटल ना हो या फिर वो रास्ते में चलते चलते बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चीजें हम सबके दिमाग में आती है। तो फिर मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है और उन्होंने आज अपनी वीडियो को स्पॉन्सर भी करा है, Cars24। उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी सेकंड हैंड कार्स होती है उनको 140 पैरामीटर्स पर चेक करती है, 140 पैरामीटर्स पर प्रॉपर तरीके से चेक करती है। चेक करने के बाद वो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे फिर उस कार को शो करती है। अगर माइनर से भी इशू है ना उसमें तो भी उसको रिफर्निश करती है और उसके बाद आपको शो करती है वो। अब नया तरीका क्या आ गया भाई, पहले हम जाते दुकानों पे जाके खरीदते थे कार, देखते थे, बट नहीं, अब कोविड की वजह से ना तो किसी के पास कोई बाहर नहीं जा पाता, ना किसी पास इतना टाइम है। तो आप वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हो Cars24 की, ऑनलाइन उनकी कार्स देखो, जो उनसे आपको पसंद आए उसको आप बुक करो, वो आपके घर पे आ जाएगी। अगर आपको वो सही लगती है तो आप उसे बाय करो, अगर आपको कोई इश्यू आता है तो 7 डेज के अंदर आप उसे रिटर्न भी कर सकते हो। तो कितनी अच्छी बात है इन सब चीजों के लिए, आपको इन सब चीजों के फायदे के लिए आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है Cars24 की। तो ज्यादा बातें नहीं करते, पर जल्दी जल्दी बुक करो अपनी कार्स। सो दोस्तों, काम अपन ने शुरू कर दिया है, बस इसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको अलग करना है और इनको पीछे वाले टैंक में डालेंगे। देखते हैं कि ये मैं वहां मैं भैया को देऊंगा या नहीं देऊंगा, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट चलो देखते हैं। अभी पहले इसको, पहले सबसे पहले तो इनको अलग करना है, फिर इसको साफ करना है, फिर इसको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से वापस मतलब पानी डालना है इसमें और सब चीज अच्छा बढ़िया बना के उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो कई टेट्राज है जो रात को जलती भी है। मतलब जलती तो क्या है, वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन मतलब लाइट डलेगी तो वो चमकेगी रात को, तो वो भी है अभी आगे पास, वो लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस साइड ये जैसे गुच्छा सा बोलते हैं ना, बंच बोलते हैं, जैसे जंगल सा बना दिया, ऐसे क्रिएट करे, पानी ऊपर से नीचे गिरा और नीचे वो देखो एक, अब ये पानी साफ होगा फिर होएगा वहाँ पे भी। मैंने एक पैसेज सा बना दिया जहाँ पे छुप सकेंगे, अगर कोई नई फिश आएगी ना
तो और उसको अलग सा लगेगा तो छुप सकेगी पीछे। और मैंने ये प्लान करा कि भाई मैं अपनी वाली फिशेज नहीं दे रहा किसी को भी, ये भी इसमें रहेगी और नई फिश भी आएगी इसमें, क्योंकि टैंक बहुत बड़ा है ना, ये ऐसे दिखने में छोटा लगता है पर इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से चौड़ाई भी इसकी बहुत ज्यादा है। और ये एक थोड़ा सा बंच यहाँ बनाया, यहाँ पे अब ये जगह इसलिए छोटी है, यहाँ पे आप नए प्लांट्स लेके आएंगे और वो भी ऐसे बंच से बना बना के अलग अलग रखेंगे। बताना कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। सो दोस्तों मैंने ये साफ कर दिया है, इस टैंक को वापस चला दिया चालू कंडीशन में, वगैरह पानी गिर गया मेरे ऊपर, बट कोई ना सह लेंगे। अभी और प्लांट्स आएंगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम ऊपर कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक ये गुच्छा सा बना दिया और एक ये बना दिया, बंच बना दिया इनका, ये अच्छा लग रहा है ना ऐसे बंच सा, ऐसे ऐसे कई सारे बंच आ सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे जरूर बताना। पीछे मैंने वहाँ पे इनका वो जगह बना दी जहाँ ये छुप सकते हैं, और देखो जूम करके जाता हूँ कितनी छुपी भी हुई है पीछे, क्योंकि एकदम से पानी मतलब पानी चेंज करे तो इन सबको छुपना, ये छुपने लग रही है देखो सारी बैठी हुई है। तो अब एक काम करेंगे अब आप चलेंगे सीवर्ल्ड वाले भैया के पास, मैं हम फिश लेके आएंगे और फिशेज देखते हैं क्या लेके आए, कौन सी सिलेक्ट करते हैं। और हाँ ये मैंने फाइनल कर लिया, जो अपनी मोलीज है तो ये इसमें ही रहेगी। पहुंच गए हम फिश खरीदने के लिए और भैया अभी थोड़ी देर घूमने गए हैं, कहीं 5 मिनट में आए तो आपको मैं फिर भी एक बार थोड़ी मछलियां दिखा देता हूँ। और ये देखो पहले सबसे पहले तो ये देखो फाइटर फिश, बेटा फिश भी बोलते इसे, पीछे आई है ना दिख रही है कितनी सुंदर है। और ये टैंक इतना सुंदर है ना, छोटा सा नैनो टैंक है। और ये वाला देखो भाई, ये आप लोगों ने शायद पहले भी देखा हुआ है, असली पौधे हैं सारे। और इसके अंदर ये देखो शार्क शुरू डाल रखी है, वैसे शार्क नहीं होती है कैटफिश होती है, पर इनका नाम शार्क रख रखे है, ये शार्क जैसी दिखती है ना तो इसलिए कह देते हैं, पर ये है कैटफिश। चलो इससे नेक्स्ट टैंक में आते हैं, ये भी प्लांट देते हैं, और ये भी प्लांट देते हैं इसमें। ये देखो भाई ये टाइगर बार्ब है, ये कोई टैट्रा है इसका नाम नहीं पता मुझे, ये रेड आई टैट्रा है वो छोटी सी, ये मेरे पास थी पहले ये वाली। और ये अपनी मोली है, इनमें मैं सोच रहा हूँ ये वाली फिश डालते हैं आप। ये देखो ये वाली, ये ग्रीन वाली और येलो वाली, ये मेरे को ऐसे लग रहा है रात को ये चमकती है पर इसका पक्का नहीं होता भाई, पर फिर भी ये चल सकती है अपने मोलीज के साथ ये डाल सकते हैं आप। और ये देखो ये भी चल सकती है छोटी छोटी, ये ज़ीब्रा फिश है, ये दोनों चल सकती है अपने। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी पॉज करके बताना कि हम कौन सी लें। ये देखो इसमें है ज़ीब्रा, ये ज़ीब्रा फिश है, मोली भी है ज़ीब्रा भी है इसमें, तो ये अपन डाल सकते हैं। ये भी बाकी और मोली गोरामीज भी डाल सकती है इसमें, मोली के साथ डाल सकती है गोरामी, तो हम देखेंगे कि कौन सा सही रहेगा, ये भी गोरामी देखते हैं। बाकी अगर गोल्ड फिश डालनी है मुझे जो आपको दिखाऊं, बहुत बढ़िया गोल्ड फिश है, बहुत अच्छी क्वालिटी की गोल्ड फिश है, भैया लेके गए हुए थे इसको घुमाने के लिए, और ये वाली गोल्ड फिश है, ये अच्छी क्वालिटी की बहुत ज्यादा। भैया इनका कुछ अलग से नाम है या कोई अलग से क्वालिटी है? अगर ये गोल्ड फिश एक्चुअली मैंने मेरे कस्टमर की फिश है और उसने बड़े प्यार से रखी हुई थी, तो मैंने वहां फिर शॉप में रखने के बजाय मैंने इसको ये रखा कि वहां पे अगर नेट लगती तो इनको स्ट्रेस वगैरह नहीं थी। ये मेल फीमेल है। अच्छा, ये मेल फीमेल, मेरा मूड है कि मैं ना इसकी ब्रीडिंग करा के देता हूँ। तो भाई हमने फाइनल कर लिया है, हेला को पसंद आई है ये वाली फिश, ठीक है, ये टाइगर बार्ब है, और जेब्रा ये वाली जेब्रा आप ये भी लेने, ये भी ग्रीन, ये पिंक जेब्रा और ये ग्रीन जेब्रा, ये ग्रीन जेब्रा और एक ये वाली रेड टेल, ये देखो ये भी, हाँ ये, और दो गुलाब भी लेंगे पहले, ये वाले एक बार कैच कर लेते हैं। हेला हेला ले लिया नई फिश, हेला ले लिया अपने भाई, हेला की यम्मी यम्मी फिश, हेला ये तो समझदार है, ये ऐसे नहीं खाती है। चलो घर चलो, जल्दी घर चलो। चलो तो भाई अंधेरा हो गया बट फिर भी मैं ले आया हूँ, ले भाई शुभम इनकी केयर करनी है अपने, छोटे छोटे बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है। और ये इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं और पानी दिखा दो एक बार, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और इसमें देखो दो नीचे वो भी है,
ये लो इनको ट्रांसफर कर देते हैं, ये सारे अब इसमें रहेंगी अच्छी तरीके से, सही है। और इनकी ग्रोथ यहाँ पे हो और ज्यादा अच्छी तरीके से होगी। देख लो भाई शिफ्ट कर रहे हैं और ये पानी में कल वापस साफ करूंगा, इन्होंने बहुत ज्यादा गंद मचा दिया पर फिर भी नीचे से दिखा रहा। लो भाई लो भाई लो, सारे डॉन नए टैंक में आ चुके हैं। कैसे मिल रहे भाई ये, एक्सप्लोर करेंगे आज तो पूरा दिन, पर थोड़े दिनों में फिर सही हो जाएंगे। ठीक है टाइगर बाल सही है, ये सारी घूमती रहती है सही। चलो इसी के साथ इस प्यारे से ब्लॉग को एंड करते हैं, कैसा लगा मैं ब्लॉग जरूर बताना। कई दिनों से मैं कह रहा था नई फिश लाएंगे 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 तो फाइनली ले आया हूं मैं, तो इसी के लिए भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इसी के साथ और अच्छे अच्छे ब्लॉग से साथ और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं, चलो बाय बाय।